विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभियान की शुरुआत करते हुए मंगलवार को लगभग 51 यूनिट रक्तदान किया। इस रक्तदान में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता और उनके मित्र बड़ी संख्या में शामिल रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत विभिन्न तरीकों से भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जन जागरूकता फैलाएंगे। इसी कड़ी में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में नेहरू नगर भिलाई में स्थित आशीर्वाद ब्लड बैंक पहुंचे, जहां उनके द्वारा लगभग 51 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान करने के लिए बजरंगी काफी उत्साही नजर आ रहे थे। बजरंगियों ने इस रक्तदान के लिए अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेरित किया था और वे भी इस अभियान में रक्तदान करने उनके साथ नजर आए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गोलचा ने आयोजन की जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई है। साथ ही दुर्ग जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राहुल गुलाटी ने भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के इस अभियान को अपने शब्दों में बयां किया और रक्तदान को महादान बताते हुए आम जनमानस को इसके फायदे भी बताए। साथ ही आशीर्वाद ब्लड बैंक के विकास जायसवाल ने भी रक्तदान शिविर एवं बजरंगियों के अभियान के बारे में जानकारी दी। जैसे कि आपको पता है, विश्व हिंदू परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। सेवा, सुरक्षा और संस्कार इसका प्रमुख उद्देश्य है और समाज के बीच में जाकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समाज में सेवा के छोटे छोटे कार्य करके लोगों को लिए सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, सुरक्षा देने का काम करते हैं तथा संस्कार के लिए काम करते हैं। आज जो दुर्ग जिले के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कैंप की ब्लड डोनेशन कैंप की व्यवस्था की है, इसमें कार्यकर्ता स्वयं स्वस्फूर्त होकर अपने खून यहाँ पर देने के लिए आ रहे हैं, ताकि कभी ज़रूरत पे किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद और किसी निसार व्यक्ति को यह खून मिल सके। और इनके द्वारा ये काम लगातार सतत चलाया जाता रहता है। बीच बीच में ये लोग ब्लड डोनेशन करते रहते हैं और समाज में जागरूकता लाते हैं कि अगर हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो हम किसी की सहायता ही करते हैं, परंतु हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। इसी उद्देश्य के लेकर आज इन हम जागरूक कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। इनका टारगेट आज का 51 यूनिट का है और लगभग मेरे ख्याल से 40 यूनिट अभी पूरे हो चुके हैं। देखिए, ये पुनीत कार्य के लिए सबसे पहले मैं आयोजकों को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। रक्तदान जीवन दान होता है और इससे समाज में जो संदेश जाएगा, तो सेवा का जो संदेश है वो समाज के हर हिस्से में जाना चाहिए, चाहे वो धर्म जाति से उठ के ऊपर उठ के। और आज बजरंग दल का हर कार्यकर्ता मुझे गर्व महसूस करा रहा है कि इन सब चीज़ों से ऊपर अटकर लोगों की जानें बचाने के लिए आज रक्तदान कर रहा है। और आगे भी मैं इतना विश्वास है मुझे अपने बजरंग दल के बजरंगियों पे कि आने वाले वक्त पे अगर कोई मुसीबत में पड़ा हुआ व्यक्ति इनको पुकारता है तो हमारे बजरंगी वहाँ भी जाकर अपना रक्तदान करेंगे। अब मैं तो एक एग्जांपल दूंगा, राज अड़तिया, ठीक है, माने हुए समाज सेवक हैं, हर 4 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं दुर्ग जिले में। उनसे स्वस्थ व्यक्ति तो मैं देखा नहीं हूँ। तो हर 4 महीने में सुरक्षित है ब्लड डोनेट करना। तो जब ऐसे व्यक्ति समाज में आगे आके, और अड़तिया परिवार पूरा, उन्होंने एक मिसाल रखी हुई है दुर्ग में, एक साथ महिलाएं भी ब्लड डोनेट करी हैं, मैं तो किसी को कमज़ोर नहीं देखता। तो ये भ्रांतियां बिल्कुल गलत हैं और इनको दूर करना है। तभी क्या होगा भाई, अगर ये सब चीज़ें होंगी, सामाजिक समरसता आगे बढ़ेगी, हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। हिंदू धर्म का ये मतलब नहीं कि हम किसी धर्म को चोट पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है, हम सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। सुरक्षा, सेवा, संस्कार ही हमारा ध्येय है। जी बिल्कुल, आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में बहुत ही बड़ा रक्तदान शिविर हो रहा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं बजरंगी जो जाने जाते हैं एकदम जोश और बल के लिए, और उसी जोश बल से यहाँ पे उनका शक्ति प्रदर्शन, एक तरह से भीड़ से बोल लीजिए, रक्तदान दे के बोल लीजिए, और जो इनका मोटो है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, वो प्रतीत पूरा हो रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आज का उनका मुख्य उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र की एक संकल्प लिया जाए और राम राज्य की स्थापना, पुनः स्थापना की जाए, और इसी के
उपलक्ष्य में आज इनका टारगेट था कि 51 रक्तदान कराया जाए और आराम से हो जाएगा क्योंकि अभी तक 40 के ऊपर रक्तदाता अपना रक्तदान कर चुके हैं। बजरंगी कार्यकर्ता हैं और बजरंगी कार्यकर्ताओं के जो उनके मित्रगण हैं उनमें से भी कई संख्या देखी गई है और विश्व हिंदू परिषद जो इनकी मेंटोर टीम है वो तो उनका उनके साथ परस्पर खड़ी है। नरेंद्र मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद से हिंदू संगठनों में उत्साह देखा जा रहा है और यही कारण है कि अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक अभियान छेड़ दिया है। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।